उस वक्त की बड़ी खबर, वैक्सीनेशन के मोर्चे पर बहुत अच्छी खबर सामने आई है। तो देश में वैक्सीनेशन पर एक और बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। देश में 150 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है। तो वैक्सीनेशन में भारत ने ये इतिहास रचा है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको दे रहे हैं। तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से पीक पर दिखाई दे रहा है और ओमिक्रॉन के जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, उस बीच वैक्सीनेशन के मोर्चे पर ये बहुत अच्छी खबर मानी जा रही है। तो देश में वैक्सीनेशन पर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है। 150 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मोर्चे पर। तो ये लाइव फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस कड़ी में वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रचा है। ये दो तस्वीरें हैं तो जिसमें आप देख सकते हैं ताजा तरीन किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, जो मोर्चा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये पल पल की अपडेट आपको हम नेटवर्क 10 पर दे रहे हैं इस वैक्सीनेशन को। तो आप देख सकते हैं कि अब तक कितना यहां पर वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। एक तरफ टोटल वो पूरा आंकड़ा, दूसरी तरफ आज की बात करें तो कितना यहां पर अभी तक वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है, ये दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं। तो आज अगर बात करें तो आज 34,79,000 अब तक जो मामला है वैक्सीनेशन का वो पार कर चुका है। तो टोटल वैक्सीनेशन डोज एक तरह आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वैक्सीन को एक बड़ा हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट सामने आया है उसको लेकर और जो है इसमें प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है, और किस तरह से तेजी आ रही है वो आप इन ताजातरीन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। तो ये लाइव फुटेज है कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। लोग भी जागरूक हो रहे हैं और लोग भी वैक्सीन की जो डोज है वो लेने पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ आपको टोटल वैक्सीनेशन डोज की संख्या, ये दूसरी तरफ आज कितना वैक्सीनेशन हुआ है।